दोस्तों, आप में से कितने लोगों को सुपर नेचुरल एंड हॉरर मूवीज देखना पसंद है जिनमें आपको खून के प्यासे वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास देखने मिले। वेल, अगर आप भी उनमें से हैं जिनको ये सब मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉलीवुड की टॉप 10 वैम्पायर एंड ड्रैकुलास पर बेस्ड मूवीज जिनमें आपको कमाल की स्टोरी के साथ धमाकेदार एक्शन और ड्रामे का तड़का भी देखने मिलेगा। इन सभी मूवीज को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप इन सभी मूवीज को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड विद ऑल दैट सेड, चलिए हमारा आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, वैम्पायर एकेडमी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। ये एक फैंटेसी हॉरर मूवी है एंड ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में भी आपको देखने मिल जाती है। इस मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है एंड जिनके पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है वो इस मूवी को Amazon प्राइम पर भी देख सकते हैं। मूवी की स्टोरी रोज एंड लीजा नाम की दो दोस्तों की स्टोरी हमें दिखाती है, जिनका एडमिशन एक स्पेशल हाई स्कूल में होता है। अब ये कोई आम हाई स्कूल नहीं, बल्कि सभी टीनेजर्स यहाँ एक हाईली स्किल्ड वैम्पायर में कन्वर्ट होने के लिए एडमिशन लेते हैं। इन्हीं दोस्तों में लीजा एक रॉयल किड है जो आगे चलकर बहुत ज्यादा एक रानी बनने वाली है एंड रोज को उसे कैसे भी कर सभी बुरे वैम्पायर से बचाना होता है। मूवी में आपको सभी तरह का हाई स्कूल ड्रामा देखने मिलेगा और ये मूवी टीनेजर्स को काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। नंबर 9, मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ बोन्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में, जो कि एक फैंटेसी एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी का IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है एंड इसे भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। ये मूवी इसी नाम के एक बेस्ट सेलिंग नॉवल पर आधारित है, जिसमें हम न्यूयॉर्क शहर की एक सुपर नेचुरल स्टोरी देखते हैं। मूवी की स्टोरी क्लेरी नाम की कैरेक्टर के बारे में है, जिसे पता चलता है कि उसमें कुछ स्पेशल पावर है। अब खुद को अच्छे से जानने के एडवेंचर पर उसकी मुलाकात होती है जेस से, जो कि एक वैम्पायर है एंड उसका और उसकी टीम का काम होता है डीमंस एंड वेयरवुल्फ्स का खात्मा करना। अब जेस क्लेरिया को दुनिया पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताता है और फिर ये सब साथ मिलकर इस खतरे का डटकर मुकाबला भी करते हैं। मूवी में हर तरह की सुपर नेचुरल एंटिटी आपको देखने मिल जाती है, भले ही वो एंजल हो, डीमंस हो, वैम्पायर्स हो, वेयरवुल्फ्स हो या फिर मैजिशियंस ही क्यों ना हो। मूवी में काफी सारा मैजिक एंड एक्शन भी आपको देखने मिलता है एंड इसके VFX भी काफी ज्यादा कमाल के हैं। नंबर 8, प्रीस्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में एंड ये अभी हाल ही में हिंदी डब हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है, जिसमें लीड रोल में हमें देखने मिलते हैं अवेंजर्स में विजन का कैरेक्टर प्ले करने वाले पॉल बैटनी। इस मूवी का IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है, जिसमें हम प्रीस्ट नाम के ही एक लेजेंडरी वॉरियर की स्टोरी देखते हैं। असल में प्रीस्ट एक पुजारी है जिसने लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की शपथ ली है, लेकिन एक दिन जब उसकी भतीजी को कुछ वैम्पायर्स किडनैप करके ले जाते हैं तब उसे अपनी शपथ तोड़कर उनका सामना ही करना पड़ता है, जिसमें उसकी मदद करते हैं उसके भतीजे का बॉयफ्रेंड हिक और एक और मैजिकल प्रीस्टेस। मूवी में खूब सारा एक्शन और धमाकेदार फाइट्स आपको देखने मिलती हैं एंड मूवी की स्टोरी भी काफी हद तक अच्छी ही है, जिसे आपको डेफिनेटली एक ट्राई देकर देखना चाहिए। नंबर 7, ब्लेड। जब MCU का नामो निशान भी नहीं था तब कहीं ये मार्वल्स मूवी रिलीज हुई थी एंड लोगों ने इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। वेल, तो ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में, जो कि मार्वल्स के ही एक सुपर हीरो ब्लेड पर आधारित एक एक्शन हॉरर मूवी है, जिसके दो सीक्वल्स भी हैं एंड ये सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इस मूवी का IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है, जिसमें हम ब्लेड नाम के ही एक हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर की स्टोरी देखते हैं, जिसका काम होता है सभी बुरे वैम्पायर्स को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारना। वेल, तो इस मूवी सीरीज को बहुत जल्द MCU में रिबूट किया जा रहा है, जो कि साल 2024 में रिलीज की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस ट्रायलॉजी को नहीं देखा तो आपको इसको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मार्वल्स की गिनी चुनी R-rated मूवीज में से एक है, जिनमें आपको खूब सारा खून खराबा, ब्रूटल वायलेंस, अंगों की काटा पीटी देखने मिलती है। नंबर 6, अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर, वन ऑफ द बेस्ट वैम्पायर मूवी आई हैव सीन सो फार। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2012 में, जो कि अगेन एक एक्शन हॉरर मूवी है, इतना तो इसके नाम से ही पता चलता है। इस मूवी को IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। ये मूवी भी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने मिल जाती है और इस मूवी में बेंजामिन वॉकर को अब्राहम लिंकन के अवतार में देखकर आप एक पल को भूल जाएंगे कि वो बेंजामिन वॉकर है। मूवी की स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां अमेरिका पर वैम्पायर्स का खतरा है एंड अपने देश को बचाने के लिए अब्राहम लिंकन इन्हीं खूनी वैम्पायर्स का शिकार करते हैं और साथ साथ उस वैम्पायर को भी ढूंढते चलते हैं जिसने उनकी माँ की जान ली थी। इस सब में ऐप का दोस्त उनकी मदद भी करता है और मूवी का क्लाइमेक्स एक कमाल के सस्पेंस से भरा हुआ भी है। मूवी में खूब सारा एक्शन, अब्राहम लिंकन की पूरी लाइफ जर्नी एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको इस मूवी में देखने मिलती है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 5, ट्विलाइट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में, जो कि टीनेजर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर रहने वाली एक फैंटेसी रोमांस मूवी है, जिसमें आपको वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स से सुपरनैचुरल बीइंग्स देखने मिलते हैं।
इस मूवी को IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है एंड इसके बाद इसके तीनों सीक्वल्स भी बने जिनकी रेटिंग्स डेफिनेटली पहले पार्ट से काफी ज्यादा है। इन सभी मूवीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। इन मूवीज में आपको बेला, एडवर्ड और जेकब नाम के तीन हाई स्कूल स्टूडेंट्स की स्टोरी देखने मिलती है जो एक लव ट्रायंगल में फंसे होते हैं। इनमें बेला एक ह्यूमन है, एडवर्ड एक वैम्पायर और जेकब एक वेयरवुल्फ। अब डेफिनेटली इनके डिफरेंसेस की वजह से इन सबके बीच के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा ड्रामा भी भरा हुआ है और साथ ही सभी मूवीज काफी सारा एक्शन भी होल्ड करती हैं, तो जो भी इस फिल्म सीरीज को अभी तक स्किप करते आ रहे हैं उन्हें डेफिनेटली इसे देखना चाहिए। नंबर 4, वैन हेल्सिंग। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2004 में। ये एक हॉरर एक्शन मूवी है जिसमें लीड रोल प्ले किया है नन अदर देन ह्यू जैकमैन ने। एंड अनडाउटली ये मूवी ह्यू जैकमैन की एक्समैन मूवीज के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी है, खास करके इंडिया में, जिसके सीक्वल का इंतजार आज भी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। वेली इस मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है एंड ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने मिल जाती है। मूवी की स्टोरी वैन हेल्सिंग नाम के ही एक लेजेंडरी मॉन्स्टर हंटर की कहानी हमें दिखाती है जिसे भेजा जाता है ट्रांसिल्वेनिया में काउंट ड्रैकुला नाम के एक ड्रैकुला को मारने के लिए, जो ट्रांसिल्वेनिया में आतंक फैला रहे सभी इविल एंटिटीज का राजा होता है। इस मूवी को इतना पुराने होने के बावजूद इसमें कमाल के VFX, ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स, वेयरवुल्स आपको देखने मिलते हैं एंड ये मूवी पूरी ड्यूरेशन आपको अपनी एक्शन पैक्ड स्टोरी से एंटरटेन भी करती चलती है। नंबर 3, ड्रैकुला अनटोल्ड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में, जो कि अगेन एक हॉरर एक्शन मूवी है एंड इसे भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। अगर आपको अभी तक का सबसे बेस्ट ड्रैकुला देखना हो तो आपको डेफिनेटली इस मूवी को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इस मूवी में ल्यूक एवांस का प्ले किया गया ड्रैकुला से बेटर आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, जिसके लिए इस मूवी को 6.3 की रेटिंग भी मिली है। वेल, इस मूवी की स्टोरी में बेसिकली एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा देखने मिलती है जहां व्लैड नाम का एक ट्रांसिल्वेनिया प्रिंस खुद को एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर लेता है अपनी फैमिली और अपने किंगडम को टर्किश आर्मी से बचाने के लिए। मूवी में आपको एक वैम्पायर और एक विशाल टर्किश सेना के बीच एक घमासान युद्ध भी देखने मिल जाता है और मूवी के लीड हीरो और विलन की परफॉर्मेंसेस आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगी। साथ ही इस मूवी की स्टोरी भी काफी कमाल की है, जैसी आपने लास्ट टाइम पद्मावत मूवी में शायद देखी होगी। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड। ये वैम्पायर एक्शन हॉरर मूवी रिलीज हुई थी 2003 में एंड इसके सक्सेस के बाद इस फिल्म सीरीज के अंडर इसके 4 सीक्वल और बने एंड इन सभी मूवीज में लीड रोल प्ले किया है केट बेकिनसेल ने। ये पेंटोलॉजी सीरीज सेलिना नाम की एक ट्रेंड वैम्पायर मर्डरर के बारे में है, जो कि आम सीरियल किलर नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये पूरी फिल्म सीरीज दो क्लैंस के बीच डिवाइडेड है, जिनमें एक क्लैन बिलोंग करता है वैम्पायर्स को और दूसरा क्लैन इनके जाने दुश्मन वेयरवुल्फ्स को। एंड इन सभी मूवीज की लगभग पूरी ड्यूरेशन इन दोनों क्लैंस के बीच फाइट्स होती रहती है। इस फिल्म सीरीज के पहले पार्ट में सेलिना माइकल नाम के एक डॉक्टर की जान बचाती हमें दिखेगी, जिस पर वेयरवुल्फ्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। ये सभी मूवीज एक्शन और फाइट से पूरी तरह लोडेड है एंड लकीली पूरी फिल्म सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी डब हो चुकी है, इसलिए इस पूरी फिल्म सीरीज को आप बेफिक्र होकर देख सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 1, इंटरव्यू विद द वैम्पायर। ये हॉरर रोमांस ड्रामा मूवी ब्रैड पिट और टॉम क्रूज के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जो कि रिलीज हुई थी 1994 में। इस हॉरर मूवी का IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है, लेकिन ये मूवी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो अब तक आपने जितने भी वैम्पायर्स पर बेस्ड नॉवेल या स्टोरीज पढ़ी है जिसमें बड़े विशाल हॉन्टेड हवेली होती है, इसमें एक बिल्कुल वाइट बॉडी वाला राजा होता है, वही सब कुछ आपको इस मूवी में भी देखने मिलने वाला है। मूवी में लीड रोल प्ले किया है टॉम क्रूज और ब्रैड पिट ने, जहां टॉम क्रूज एक ड्रैकुला होने की वजह से काफी अकेला होता है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो ब्रैड पिट को भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो ब्रैड पिट को खुद से हमेशा करीब रखने के लिए क्या कुछ पैतरा आजमाता है और कैसे ह्यूमंस को इनके बारे में पता चलने के बाद जो केओस मचता है, ये सब आपको मूवी देखकर खुद पता लगाना होगा। मूवी में खूबसूरत सी आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी भी आपको देखने मिलेगी, जिसे आपको अपनी लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट देखना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी वीडियो कैसी लगी और इसलिए इसकी किस मूवी को आप देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग न्यूज़ एंड न्यू मूवीज के साथ। टिल देन टेक केयर, ओवर एंड आउट।